तैयार रहन। आ मेरे वीरां नूं बेनती है कि भी बिच बैठ के जे सुणांगे ना उहदा कुछ आनंद ही कुछ होर है। मैनू पूरी आस है कि बेनती प्रवान करोगे, आनंद ले लो आके आजो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असी पहले दिन तो अपने अन्नदाता नाल आए हाँ। मैं खुद डॉक्टर हाँ तो यह मेरी बस बिल्कुल सामने ही लगी हुई है तुहाडे। मैं तुहानू थोड़ी जी गल्लां दसना चाहवां क्योंकि काफ़ी गल्लां चल रही भी काफ़ी लोग चले गए। यह 10 किलोमीटर के अंदर 26 डॉक्टर बैठे हुए हैं, 26 डॉक्टर 10 किलोमीटर के अंदर। कोई भी डॉक्टर पेड नहीं है, कोई सरकारी नहीं, सब प्राइवेट आए हुए हैं, अपनी मर्जी तो आए हुए हैं। असी भी जब मोहाली तो चले सी 30,000 रुपए की दवाइया लेके आए सी, उस तो बाद लखां दी दवाइया दे चुके हैं। कौन देगा सानू दवाइया, सानू नहीं पता। यह जिहड़ा सारा सिस्टम है बाबा जी खुद चलाते पे है, साढ़े गुरु नानक देव जी खुद चला रहे हैं। जो मैं तुहानू एक इंसीडेंट छोटा जिहा दसांगा। साढ़े कोल सब तो ज्यादा बजुर्ग लोग आए हुए हैं तो गोड्डियां की दवाई साढ़े कोल खत्म हो गई एक दिन, तो साढ़े डॉक्टर ने कहा जी गोड्डियां की दवाई जमा खत्म हो गई। मैं कहा भी 2 दिन लगनगे, मोहाली तो ऑर्डर कर दें आजूगी। अगले दिन सवेरे एक बंदा कितों आया सानू नहीं पता, एक बंदा पेटी लिया के दे गया सानू। उसके अंदर सिर्फ गोड्डियां ही दवाइया सी, होर कोई दवाई नहीं सी। असी किसी नूं ऑर्डर नहीं किए, कुछ नहीं किए। असी इत्थे आए, सानू यूनाइटेड सिख वाले ने रहने लिए टेंट दिते, खालसा एड वाले ने अपने कोल रखिया। एक भाई साहब आए हरियाणे के, इत्थे उन्हां दा पेट्रोल पंप है, वह कहता डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं। मैं कहा जी मोहाली तो आया। कहता रहते कहाँ हैं। मैं कहा जी हम टेंट में रहते। कहता डॉक्टर भी टेंट में रह सकते हैं। हमने कहा रहते हैं। उन्हें जी पता नहीं कितों चाबी ले गए है, मैनू अपने फ्लैट की चाबी दे गया, साढ़े को फ्लैट की चाबी मेरी जेब च, वो फ्लैट की चाबी दे गया, नाले स्कूटर दे गया। कहिंदा जी 8 किलोमीटर दूर मेरा फ्लैट है, तुसीं उत्थे ही जाके रहना, तो साढ़े सारे डॉक्टर उस फ्लैट च रह रहे। ये सब बाबा जी खुद करते पे। 26 जनवरी में जो हो गया वो अच्छा हो माड़ा हो असीं नहीं डिसाइड कर सकते, साढ़े जथेबंदियां डिसाइड करनगे। मैनू जथेबंदियां दे लीडर दे नां नहीं पता सी, इत्थे आ के पता लग गया। मैनू किसी ने बुलाया नहीं, इत्थे इत्थे आ के पता लगे। पर 26 जनवरी तो बाद एक गल क्लीयर हो गई कि जो जथेबंदियां कहनियां सही कहनियां, तो जिवें कहनियां उवें आपां नूं करना चाहिए, यह गल प्रूफ हो गई। और मैं कहना चाहवांगा साडे यूथ नूं, साडा यूथ साडी जान है, साडी शान है, पर साडे अन्नदाता साडे बजुर्ग इन्हां दी सलाह लैके आपां चलना। कवर गरेवाल ने भी कहा कि इन्हां दी सलाह नाल चलना, बजुर्गां दी लोड़ है। और बजुर्ग जिवें कहिंदे उवें करो। सारे जवान लोग, सारे साडे यूथ हुण जिवें जिवें बजुर्ग कहणगे उवें चलना। तो सानू यह जिहड़े काले बिल ने, मैं सरकार के खिलाफ नहीं, इन्हां दे काले बिलों के खिलाफ हाँ। मैं साडे अन्नदाता दे नाल खड़ा। जब तक तुसीं इत्थे रहोगे, जब तक काले बिल वापस नहीं आंदे, साडे सारे डॉक्टर 26-35 जिन्हें डॉक्टर ने शुरू तो लैके एंड तक, वेस्ट बंगाल तो स्टेज के पिछे डॉक्टर ने मेरे नाल सवेरे गल करते सीगे, कहिंदे हम भी नहीं जाएंगे। कोलकाते तो आए हुए, ग्वालियर तो आए, जब तक किसानों के बिल वापस नहीं जाएंगे हम भी नहीं जाएंगे। तो मैं सारे अपने बेलियां नूं, सारे वीरां नूं, साडे वड्डे जनानियां नूं, लेडीज नूं, साडी मावां नूं, सब नूं अरदास करदा, सारे इत्थे रहो। तो ज्यादा लोग फिर तो पंजाब तो हरियाणे तो दूरे दूरे इत्थे आन, इत्थे ही कहिंदे आ बड़े सोहणे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।